तो हेलो, वेलकम बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब लोग? तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के बारे में देखने वाले। मैंने टॉपिक्स काफ़ी पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से ये चैनल शुरू हुआ है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर से हम लोग इस चैनल पे बढ़ने वाले। तो ये चैनल थोड़ा सा न्यू हो गया, क्योंकि प्रीवियस वाला थोड़ा बंद हो गया किसी प्रॉब्लम से। तो आज आर्क वेल्डिंग की बात करने वाले हैं। फिर से हम लोग वेल्डिंग इंडस्ट्री में फिर से पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग फिर से समझने वाले हैं। तो आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर्क वेल्डिंग क्या है? देखो, आर्क वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे हम लोग एसी और डीसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसी एंड डीसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो आर्क वेल्डिंग क्या है? आर्क वेल्डिंग इज ए टेक्निक। आर्क वेल्डिंग हमारा जो होता है, इसे जॉइनिंग प्रोसेस है, एक जॉइनिंग प्रोसेस है द टू डिफरेंट मेटल विद द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग बीट्स। हम वेल्डिंग बीट्स की मेटल जो जॉइन होगा वेल्डिंग बीट्स की मदद से, एक वहाँ पर वेल्डिंग बीट्स बनेगा। जो सरफेस जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस सरफेस में क्या होता है, एक इस तरीके का, सपोज की दो प्लेट है, मान के चलो कि ये प्लेट है। ठीक है, इस तरीके का प्लेट है, तो यहाँ पे जो बीड्स बनेगा ना वेल्डिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एरिया को भी बीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे, द टू डिफरेंट मेटल जॉइन विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल। ठीक है, तो हम वो फिलर मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर? माइल्ड स्टील का रॉड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड रॉड जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो सिंपल एक आर्क वेल्डिंग की हम लोग आज बात करेंगे। इसके बाद काफ़ी वेल्डिंग्स है, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, गैस कटिंग, लेज़र बीम वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अलग अलग टाइप की वेल्डिंग बहुत सारी हम लोग सब देखने वाले, तो मज़ा आएगा। आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इसका डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक बात करूँ मैं, तो ये वर्कपीस है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्कपीस आपको दिख रहा है। ये वर्कपीस क्या है कि यहाँ पर जहाँ पे हमें काम करना है, जिस वर्कपीस में हमें काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये इसे ही बोलते हैं वेल्डिंग बीड्स। वेल्डिंग बीड यहाँ पर लिखा भी है, वेल्ड बीड मतलब कि वेल्ड होने के बाद जो एक फॉर्मेशन होता है ना, एक ऊपर एक उभार सा आ जाता है, तो वो बीड्स ही कहलाता है, ये वेल्डिंग बीड्स है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है इलेक्ट्रोड रॉड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड रॉड। तो क्या फ्लक्स यहाँ पे, मैं हम बोल सकते हैं एमएस का रॉड होता है। ठीक है, एसएस का भी रॉड होता है, एमएस का भी रॉड होता है, दो टाइप के रॉड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड रॉड बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड रॉड। ठीक है, तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर है ना फ्लक्स होता है, फ्लक्स। अब क्या करता है, जब ये वेल्डिंग करता है ना, तो इसके इर्द गिर्द है ना सल्फर पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके इर्द गिर्द है ना ऐसे गैस जो होती है ना, फ्लक्स बोलते हैं उसको, तो वो क्या इसके इर्द गिर्द आ जाता है। तो गैस क्या है, फ्यूम बनाता है, तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। अगर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया ये हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रॉड, तो वहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप की डिफेक्ट, जो हम बोलते हैं ना वेल्डिंग में डिफेक्ट, जैसे कि लैक ऑफ फ्यूजन, अंडरकट, ठीक है, अंडर वेल्डिंग, ठीक है, लैक ऑफ पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होने लगेगी यहाँ पे। इसके लिए फ्लक्स जो है ना यहाँ पे एक तरीके का ना कवच बना देता है, और उसके बाद ही वेल्डिंग शुरू होती है। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट से कोई डस्ट पार्टिकल एंटर नहीं कर पाए, एनवायरनमेंट से कोई भी ऐसा अनवांटेड पार्टिकल ना आए कि वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग के साथ मिक्स हो जाए। तो क्या होगा, अगर फ्लक्स कोई अगर चीज़ इसमें आ गया, ठीक है, कोई भी चीज़ गैंग पार्टिकल्स आ गया, कुछ आ गया, तो क्या वेल्डिंग जो स्ट्रेंथ है ना उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। इसके लिए यहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो होता है ना एक फ्लक्स होता है, जो वो उस मदद करता है उसे बचाने में। ठीक है, ये चीज़ था इलेक्ट्रोड रॉड हो गया। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर, ये इलेक्ट्रोड होल्डर होता है,
अभी इलेक्ट्रोड होल्डर क्यों होता है, क्योंकि हम देखो सपोज हम मार रहे तो इलेक्ट्रोड होल्डर तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ के हम लोग वेल्डिंग करेंगे ना। यहाँ पे एक इधर दिखा है नहीं, तो यहाँ पे एक लीवर होता है जिसको हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं और फिर वो हमारा जो ये होता है, मतलब समझ रहे हो ना, कि तब वेल्डिंग शुरू होता है उसे क्लिक करके। तो ये तो समझे कि इलेक्ट्रोड होल्डर क्या है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर यानी कि हम जिसे पकड़ के रखेंगे उसको, तो ठीक है। अभी ये पॉइंट इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, यहाँ पर सिंपली एक हमारा मशीन लगा होता है, वेल्डिंग मशीन जैसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या है, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करने में, स्टेप अप स्टेप डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट है ना हमारा होल्डर से लगा होता है, दूसरा जो होता है हमारा वर्कपीस से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन होता है हमारा ट्रांसफार्मर से होता है, तो ये हमारी वेल्डिंग मशीन होती है, ट्रांसफार्मर बोलो या वेल्डिंग मशीन। तो हम इसे एसी करंट एसी देते, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज देते, करंट देते, तो यहाँ से डीसी में कन्वर्ट होके, क्योंकि डायरेक्ट करंट होगा तभी वो एक लाइन पे वेल्डिंग करेगा, एसी टू डीसी में करेंगे, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, तो अल्टरनेटिव करंट नहीं देते, डायरेक्ट करंट होता है। तो एसी यहाँ से आया और ये मशीन ने कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके इसको भेजा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये पॉइंट है अर्थिंग। तो यहाँ पे अर्थिंग, एक अर्थिंग हम वर्कपीस को देंगे और एक होल्डर को वो करेंगे। तो सिंपली ये है आर्क वेल्डिंग का पूरा डायग्राम, और किस तरीके से पूरा का पूरा आर्क वेल्डिंग हम किस तरह समझते हैं, किस तरीके से वेल्डिंग होता है, किस तरीके से हम इसमें वेल्डिंग करते हैं और किस तरीके से इसका पूरा लेआउट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्क वेल्डिंग, और यही आर्क वेल्डिंग का मतलब है कि वेल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे बेसिक, हम बोल सकते हैं कि बेसिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। स्टार्टिंग यही था, आर्क वेल्डिंग से स्टार्ट हुआ। तो आर्क वेल्डिंग से भी पहले है आयरन कार्बन वेल्डिंग, तो वो भी बताएंगे आयरन कार्बन वेल्डिंग के बारे में, सब चीज़ होगा, मज़ा आएगा, और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और कृपया करके जुड़ते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर से एक बार आए हम लोग आप लोगों तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग वापस आए हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने फिर से शुरू किया ताकि मैं हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आप लोगों तक पहुँचाऊँ। न्यू न्यू स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज नहीं मिल पा रही है, जिनको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली डिज़ाइन क्या है, कैड कैम क्या है, उसकी प्रोग्राम्स क्या है, क्योंकि कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है इतना अच्छी तरह से, तो यहाँ पर हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए, चलते रहिए, एंड फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों तक। तो थैंक यू सो मच, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालते हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी मैकेनिकल नॉलेज, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।